हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, दैट इज ए मॉक टेस्ट टारगेट 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर अपनी बहुत सारी नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे एंड आपके मॉक को टारगेट करेंगे, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर हो पाए, प्रॉपरली टारगेट कर पाए एंड अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं एंड उसको अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, प्रॉपरली अपने कवर करते हैं और टारगेट करने की कोशिश करते हैं आपके मॉक को। और अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो काफी शोन का एक डाउट आ रहा है कि सर आप अलग अलग सेशन की पीडीएफ नहीं भेज रहे टेलीग्राम पर, यूट्यूब के जो सेशन हो रहे हैं, तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट, मैंने आपको 6000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। तो इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में मैं प्रिपेयर करता हूं, दैट इज मोर देन सफिशियंट पीडीएफ फॉर यू गाइस। तो आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, प्लस आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ्स आपको यहां मिलती हैं, या डेली मैं जो टास्क देता हूं अपने अन अकेडमी पर स्टूडेंट को, वो आपको यहां मिल जाते हैं। तो दैट इज मोर देन सफिशियंट पीडीएफ फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आप इसे कवर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं साहिल चराया, जिससे आपको टारगेट टेलीग्राम पर जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और अन अकेडमी पर भी मैं वेरीफाइड टॉप एजुकेटर हूं कंप्यूटर का, तो अन अकेडमी ऐप पर भी आप सर्च करिए साहिल चराया, यहां पर मेरे फ्री सेशन भी होते हैं, आप उसे भी कवर कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए ताकि सभी सेशन की डिटेल आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन दिया गया है इन पीएसटीएन पी का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। पीएसटीएन में पी का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। ऑलवेज वेलकम। 1000 क्वेश्चन सीरीज बैंक प्रो के चैनल पर है, आप उसे कवर कर सकते हैं। तो पीएसटीएन की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, तो यहां पी का मतलब हो गया पब्लिक। कहां यूज होता है ये, ये आपका यूज होता है टेलीफोन के अंदर, टेलीफोन नेटवर्क में वॉइस डाटा को कैरी करता है, वॉइस डाटा को कैरी करने का काम करता है पीएसटीएन। हाँ बिल्कुल, आपको टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट दे दी है काफी, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को मैं अपडेट कर रहा हूं, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज सारी प्लेलिस्ट अपडेट करके आपको मैं एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। आप बाकी चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, इंपोर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। रैम के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपके रहते हैं वो आपको बताना है। अमित, आज रात को क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लास्ट वीक मैं नहीं ले पाया क्लासेस, दैट इज ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, लेकिन अब से इस वीक से आपकी क्लासेस शुरू हैं और रेगुलर दो सेशन रखूंगा, एक 12:30 बजे, एक रात को 9:45 बजे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसे बोलते हैं हम फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए प्रोसेस विच इज नॉट एग्जीक्यूटिंग ड्यू टू एनी वेटिंग इवेंट इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि वो वेट ही करती रहेगी, कभी भी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो उस तरह की कंडीशन को क्या बोला जाता है आपको बताना है, दैट इज कोल्ड बट आपको बताना है। दैट इज नोन एज डेड लॉक। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 है वो आपके किसी एक रिसोर्स का वेट कर रही है R1 का,
जो P2 ने ले रखा है, जो P2 प्रोसेस के पास है, और P2 प्रोसेस को पूरा होने के लिए R1 की जरूरत है, लेकिन P2 को R2 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है, और वो R2 किसके पास है, P1 के पास है, तो ये स्टेट कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। ये जो आपकी प्रोसेस है कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी, वेटिंग के अंदर रहेंगी, क्योंकि P1 को पूरी होने के लिए R1 चाहिए जो कि P2 के पास है, P2 को पूरा होने के लिए R2 चाहिए जो कि P1 के पास है, तो ये वेटिंग करती रहेंगी एक दूसरे का, तो कभी पूरा नहीं होगी। दैट इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की ये कंडीशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। दो अलग अलग टेबल को जोड़ने के लिए DBMS में किसका जरूरत होती है, कौन सी की जरूरत होती है, वो आपसे पूछा गया। दो टेबल के अंदर रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फॉरेन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग हार्डवेयर ऑफ एंड देन टर्निंग इट ऑन अगेन। किसी भी हार्डवेयर को टर्न ऑन और ऑफ करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वो बताना है। हार्डवेयर को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज पावर साइक्लिंग, फैटल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्रॉइंग, लाइव ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग। इनमें से अगर आपको हाई जियोग्राफिकल एरिया चाहिए या हाई जियोग्राफिकल प्रिंटिंग चाहिए, लार्ज प्रिंटिंग चाहिए, तो किसका यूज होगा इनमें से, बिल्कुल वर्षा आपको टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएगी मेरे चैनल पर, प्लस फ्री क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर भी होती हैं, बहुत सारे मेथड है, इसे आप कवर कर सकते हैं, ये भी सीरीज चल रही है आपकी। तो आपका सही उत्तर होगा फ्लैट बेड प्रिंटर, जो कि प्लॉटर भी आपका टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ CPU। काफी सिंपल क्वेश्चन, CPU का मेन जो आपके कंपोनेंट है वो कौन से हैं, वो आपको बताना है। CPU का मेन फंक्शन कौन सा है वो आपको बताना है, मेन जो सॉरी पार्ट, ALU एंड CU या कंट्रोल यूनिट आगे कर दोगे तो ये बेटर रहेगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इनका काम क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है कैलकुलेशन करना, अलग अलग काम है दोनों का ध्यान रखना, और लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, कंपैरिजन करना। और CU का काम क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोलिंग सिग्नल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। गीतिका इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो इसमें से ओड वन आउट है आपका पाइथन। क्यों, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर का यूज नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए प्राइवेट IPv4 एड्रेस। इनमें से प्राइवेट कौन सा है वो आपको बताना है IP एड्रेस। ये रिजर्व्ड लिस्ट है आपकी प्राइवेट की, यहां पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं जिससे आप इसे कवर कर पाएंगे कि भाई वो प्राइवेट लिस्ट है कौन सी। तो देखो भाई, ये लिस्ट है जी जो प्राइवेट पहले से ही रिजर्व्ड है, ठीक है, 10
वाला 172-16 से 172-31, 192-168 से 192-168, ठीक है जी। तो अगर आप अपनी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो 192 वाला मुझे दे रखा है, ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कवर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टी इज टर्म्ड एज, ऑथराइज्ड पार्टी के द्वारा ही मॉडिफाइड किए जा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। अच्छे क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट, हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा। ऑथेंटिसिटी ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑथेंटिसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डाटा इन डिफरेंट प्लेस ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क टू प्रोटेक्ट डाटा इन केस ऑफ डाटा फेलियर, डाटा फेलियर से बचने के लिए आपकी हार्ड डिस्क पर डाटा की मल्टीपल कॉपी जनरेट की जाती है या डाटा बैकअप के लिए, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका नाम बताना है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है जी रेड, फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस इन ए नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल, यानी कि नेटवर्क का जो भी आपको नेटवर्क दे रखा है उसका आपको प्रॉपर यूज करना है, ठीक है, तो उसे किस टर्मोलॉजी से जाना जाएगा, प्रॉपर यूज ऑफ नेटवर्क होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी का यूज होगा वो बताना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का, ऑप्शन नंबर टू। अगर मैं स्टोरेज का प्रॉपर यूज करूंगा तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर यूज होगा ओएस वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा, हार्डवेयर का प्रॉपर यूज होगा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा। बस क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान में रखना वहां पर कि किस चीज का प्रॉपर यूज करवा रहे हैं आपसे, वो आपके आंसर में बन जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिवन डाटा बैकअप प्रोसेस दैट कॉपीज द कंटेंट ऑफ ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क इन ए सिंगल कंप्रेस्ड फाइल, यानी कि डाटा को कंप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है डाटा के कंप्रेशन के लिए। इनमें से अगर आप में से सुना हो तो विंडोज की इमेज आती है, ठीक है, जिससे आपकी जो विंडो का साइज लगभग 10 GB का होता है वो आपको लगभग 2 या 3 GB के अंदर मिल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम टेक्नोलॉजी, गोस्ट इमेजिंग, ठीक है। और इस इमेज को ओपन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर यूज्ड होता है वो भी बता देता हूं, आप डाउनलोड करके देख सकते हो, पावर ISO नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप इस इमेज को ओपन करके इसमें जो भी इमेज में सॉफ्टवेयर है उसे आप डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, वेयर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा इनमें से, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिनका जो वर्क है वो आपका फिक्स रहेगा, स्पेसिफाइड टास्क करेंगे एक डिवाइस के अंदर ही रहेंगे, उसमें इनपुट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर डिजिटल आपकी वॉच होती है उसके अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, कार के अंदर उनका यूज होता है, तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जहां पर वो यूज होगी, तो वो है आपकी PDA, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली रिमूविंग रैम चिप्स फ्रॉम ऑफिस कंप्यूटर एंड सेलिंग देम। रैम चिप को चुराना और उसे सेल कर देना, उसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, कल मैंने RRBPO 2020 का पेपर मैंने डिस्कस किया था, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना। लास्ट ईयर में कैसा पेपर आया था, कितने मार्क्स बने हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना उसमें। तो रैम चिप्स को कंप्यूटर से रिमूव करना या उसे सेल करना क्या कहलाता है, मेमोरी शेविंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी शेविंग कहलाता है। नेक्स्ट, डीफ्रेगमेंटेशन इन हार्ड डिस्क मैनेजमेंट मींस। डीफ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डीफ्रेगमेंटेशन मेनली यूज होता है फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए। प्रॉपरली फ्री स्पेस आपका क्रिएट करता है और ये आपका डाटा कंपैक्ट करता है। डाटा कंपैक्टेशन ऑन हार्ड डिस्क इज नोन एज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर चिप परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, ये आपको बताना है। माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, अब यहां पर बड़ी ही ध्यान से समझना। माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू एक ही बात है, तो वो सीयू और एएलयू का फंक्शन परफॉर्म करती है। सीयू एंड एएलयू का फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप टाइम स्लोट्स या जिसे आप टाइम स्लाइस भी बोल देते हो या टाइम क्वांटम भी बोल देते हो, क्रिएट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, किसी भी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कौन सी है, वो है राउंड रोबिन। वो कौन सी है? राउंड रोबिन। FCFS क्या है? दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आ जाएगी प्रोसेस उसी एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि टाइम शेयर्ड होगा, टाइम स्लोट डिवाइड किए जाएंगे, हर एक प्रोसेस के लिए टाइम फिक्स हो जाएगा, 5-5 सेकंड हर एक प्रोसेस को मिलेगी। तो वो जो 5-5 सेकंड का टाइम स्लोट फिक्स किया गया है उसे भी पूछा जाता है क्या बोला जाता है, उसे टाइम स्लोट, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस बोला जाता है, और ये होता है राउंड रोबिन के अंदर। नेक्स्ट, बोर्ड रेट इज द रेट एट विच। बोर्ड रेट का क्या मतलब है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड रेट का क्या मतलब है ये आपको बताना है। What is board rate? जैसे आप में से काफी कैंडिडेट को पता होगा मेरी बैंक प्रो पर भी क्लासेस चल रही हैं, तो वहां जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं वो अलग हैं, इस यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहां लगाई तो यहां पर सेम ही करवा रहा हूं, क्वेश्चन अलग हैं, वैरायटी दे रहा हूं एग्जाम से पहले जितनी भी हो सकती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक प्लेस, इसे बोलते हैं बोर्ड रेट। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा किस तरीके से आपका हो रहा है, या आप यहां पर समझ सकते हो आपकी इंटरनेट की स्पीड में फ्लक्चुएशन आता है जब आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट को एक्सेस करते हो, लाइक कभी 100 kbps, कभी 300 kbps, कभी 500 kbps, फिर 0 पे पहुंच जाती है। तो ये चेंज जो हो रहा है डाटा ट्रांसमिशन में आपकी स्पीड के अंदर, इसे बोला जाता है बोर्ड रेट। नेक्स्ट, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल इन। कितनी आपकी इसमें पिन होती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें फैटल इंफॉर्मेशन है, 40 पिन होती हैं जी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट, ये लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन भी आया था पीओ के अंदर, आरआरबी पीओ के अंदर। इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आईपी प्रोवाइड करवाने का काम कौन सा आपका प्रोटोकॉल करता है, तो वो है आपका डीएचसीपी, फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और अगर आप कंप्लीट थ्योरी मेरे से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है, पेस कोर्स वहां पर आपको कंप्लीट करना है, और अभी लाइव कोर्स भी चल रहा है जिसे आप टारगेट कर सकते हो 7 PM पर। और जो प्लस पर नहीं है, प्लस पर आना चाहते हो, तो ER10 कोड यूज करके प्लस पर आ सकते हो, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड जो भी ऑफर्स चल रहे होंगे वो ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप ER10 कोड यूज कर सकते हैं एज ए अनलॉक कोड, या कहीं भी कोड मांगे आप ER10 लगा सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में स्पेसिफिकली यूज किया जाता था, वैसे आज भी यूज होता है लेकिन फर्स्ट जनरेशन के लिए इंपोर्टेंट माना जाता है, उसमें अलग अलग प्रोसेस नहीं होती थी, फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर बैच प्रोसेसिंग ही यूज होता था। श्री राधे। ब्लूटूथ मेक्स यूज ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है ब्लूटूथ में जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो, या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, बोथ या फिर नन ऑफ दीज, या मल्टी पॉइंट टू पॉइंट। तो हमने जो आज की टेक्नोलॉजी देखी उसमें ब्लूटूथ में हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1-to-1 कनेक्शन होता है ब्लूटूथ ट्रांसफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, मतलब आपके यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है। यूआरएल दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको आईपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर, डीएनएस, जिसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ये हो गई आपकी डीएनएस की फुल फॉर्म, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, ऑन अगस्त 25, 2016 लिनक्स सेलिब्रेटेड इट्स 25 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। Linux इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हु डेवलप्ड Linux, Linux के इन्वेंटर बताने हैं कौन है, Linux के इन्वेंटर बताने हैं आपको कौन है। तो Linux के इन्वेंटर हैं Linus Torvalds, उनके नाम से ही है Linus Torvalds। नेक्स्ट, Which of the following computer language is mathematically oriented language for scientific problem? Scientific problem के या scientific formula के computation के लिए कौन सी language use होती है, mathematical oriented है, वो है आपकी Fulton, full form है formula translation। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आई जॉन बेकस के द्वारा इन्वेंट की गई थी 1957 के अंदर, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। यहां पर अगर कोबोल पूछ ले, फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बिजनेस पर्पस के लिए फर्स्ट लैंग्वेज बनाई गई थी, बिजनेस पर्पस के लिए फर्स्ट जो लैंग्वेज बनाई गई थी वो यही थी, कौन सी, कोबोल। नेक्स्ट,
ये आपकी अनअकैडमी की सभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप 1 मंथ 3 मंथ बैंक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अगर आप ER1 कोड यूज करते हो तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, सभी ऑफर्स एंड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मुझे जल्दी से बताइएगा आपके कितने मार्क्स बने और कितने आपके टारगेट हुए, उतनी देर में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी प्लस पर आपको आस्क ए डाउट फीचर भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप लाइव क्लास में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, 1-to-1 कॉल कर सकते हैं एजुकेटर से, और या फिर आपका किसी बुक या PDF में कोई डाउट है उसे आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। उसे फोटो खींचिए, उसको क्रॉप करिए एक क्वेश्चन पर और आपको वीडियो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप के लिए आपका हर संडे सुबह 10 बजे एग्जाम होता है। अपने एनालिसिस के लिए भी इस एग्जाम को टारगेट करें कि आपकी रैंक ऑल इंडिया में क्या रही है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोड यूज करेंगे वही ER10 फॉर रजिस्ट्रेशन अगर मांगे तो। 50 मिनट का टेस्ट होता है, 36 क्वेश्चन होते हैं आपके। एंड ये आपके ऑफर्स हैं जो आपको यहाँ अनअकैडमी पर, अगर आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लेते हो या कॉम्बो ऑफर लेते हो तो आपको ये ऑफर्स मिल जाएंगे। इन ऑफर्स के लिए भी कोड वही है ER10, यही कोड आपका यूज होगा। तो आज के लिए ऑल सेट एंड बेस्ट विशेस फॉर माय साइड। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी आपका डाउट है आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे आप कवर कर सकते हैं। मेरा जो खुद का चैनल है वो यही है विशाल, ठीक है, मेरा जो खुद का चैनल है वो यही है। बाकी जो अदर चैनल हैं जहाँ पर मेरी क्लास होती है अनअकैडमी की, वो है बैंक प्रो, वहाँ पर भी मेरी क्लास होती है, 11 बजे मेरी क्लास रहती है वहाँ पर, तो उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अच्छे से कवर करिए और 3:30 बजे आपकी अनअकैडमी पर प्री स्पेशल क्लास होती है। अनअकैडमी ऐप पर प्री स्पेशल क्लास होती है मेरी, वहां पर आपको बड़ा टेस्ट मिल जाएगा विद पोल, मजा आएगा, उसे आप कवर करके देखें। 125 क्वेश्चन का मोक होता है वहां पे, तो उसे आप कवर कर सकते हैं 3:30 बजे डेली दोपहर में। अनअकैडमी पर क्लास है तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं फ्री सेशन ही बता रहा हूं। बैंक प्रो पर 11 बजे, 3:30 बजे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर आपको टिल एग्जाम तक कोशिश रहेगी, 2 आपको क्लासेस मिलेंगी, एक आपको 12:30 बजे और दूसरी आपको रात को 9:45 बजे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फ्री सेशन ही है सारे के सारे। ठीक है, एक सुबह 8 बजे होती है जहां पर मैं CA कवर करवाता हूँ, कल सेप्टेम्बर मंथ होगा वहां पर इसका मोक चलेगा। ये जितनी भी लिखी है सारी की सारी फ्री क्लासेस है। ठीक है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, परिवार को खुश रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। डाटा बहुत दे रहा हूं मैं, बस आपको ग्रैब करने का समय मिलना चाहिए।